अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वाला, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का नॉन प्रीएम्प्टिव वाला वर्जन। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का हम एक सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम अराइवल टाइम जो है सबकी सारे प्रोसेस के जीरो लिए थे, तो उसमें हमें ये नहीं देखना पड़ा था कि कौन सा प्रोसेस कब अराइव हो रहा है, उस हिसाब से हम उनको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं अराइवल टाइम, इसमें हमने डिफरेंट अराइवल टाइम्स लिए हैं। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है, और ये मैंने जो अराइवल टाइम और बर्थ टाइम लिए ये वही वाले हैं जो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी लिए थे, ताकि आपको दोनों का फ़र्क पता चल सके। सो इसी के साथ हम यहाँ पे जो है सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाएंगे, जिसकी मदद से फिर हम उसका टेबल फिल करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हुए आए हैं। उसके बाद ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं, और उसकी मदद से हम ये करेंगे नीचे की कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हम निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट वगैरह, एफिशिएंसीज और टाइम वेस्टेड वगैरह टाइप की चीज़ें। तो सवाल शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5 प्रोसेसेस, जिनका नाम प्रोसेस आईडीज दी हुई हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 करके। और अराइवल टाइम अब यहाँ पे हर प्रोसेस का डिफरेंट है, 0, 2, 4, 6, 8, और इसी के साथ बर्थ टाइम उनके आगे दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10। सो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो जीरो पे अराइव हुआ है, क्योंकि हमारा गैंट चार्ट जो है मैंने आपको बताया था कि जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा, और अगर जीरो पे कोई प्रोसेस अराइव नहीं होता तो इसका मतलब है वहाँ पे आइडल स्टेट है। तो जीरो पे हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोसेस 1 अराइव हुआ हुआ है, जिसका बर्स्ट टाइम यहाँ पर 2 था। तो उसका बर्स्ट टाइम 2 था, तो वो जाहिर सी बात है 0 से 2 तक पूरा चल जाएगा, क्योंकि नॉन प्रिम्प्टिव वाला है। तो ये पूरा पूरा एक प्रोसेस एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। अब ये एक प्रोसेस 2 बर्स्ट टाइम तक चल चुका है, यानी पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोसेस 1। अब हमें ये देखना है क्या हमारा जो CPU अभी 2 पे है, क्या ऐसे में या 1 पे या 2 पे कोई ऐसा प्रोसेस है जो अराइव हुआ था। तो हम यहाँ पे अगर लिस्ट में देखें तो प्रोसेस 2 सिर्फ है जो अराइव हो चुका था, तो हम यहाँ पे प्रोसेस 2 को चला देंगे बिना सोचे, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस 2 को चला देंगे तो उसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो 2 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये 6 तक चल जाएगा, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 4 है। अब हमारा CPU जो है 6 पे स्टैंड कर रहा है, और अब हमें ये देखना है 6 पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। तो अगर हम देखें हमारी लिस्ट में तो प्रोसेस 3 भी अराइव हो चुका है और प्रोसेस 4 भी अराइव हो चुका है। तो हम इन दोनों में से अब कौन सा प्रोसेस चलाना है उसमें हम देखेंगे, इसमें हमारी हेल्प करेगा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो क्योंकि ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो यानी हमें वो प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। तो अगर प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4 में से हम देखें तो सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम प्रोसेस 4 का है, तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से प्रोसेस 4 को चला देंगे, जिसका बर्स्ट टाइम 8 है। तो 6 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा 14 पे यहाँ पर CPU हमारा आ जाएगा, और जब हमारा 14 पे CPU होगा तो हमारे पास प्रोसेस 3 पहले से अराइव हुआ हुआ था, और इसके साथ साथ प्रोसेस 5 भी अराइव हो चुका है। अब प्रोसेस 5 का अगर आप बर्स्ट टाइम देखें तो 10 है, और प्रोसेस 3 का बर्स्ट टाइम 6 है। तो जैसे कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम वाले को पहले चलाओ, तो हम यहाँ पे प्रोसेस 5 को चला देंगे बिना कुछ सोचे, और उसका बर्स्ट टाइम क्योंकि 10 था तो हम 14 में जब 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो ये 24 तक चलेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रोसेस है आखिरी, वो बचा है प्रोसेस 5। तो हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्रोसेस 3 बचा है तो हम उसको फौरन चला देंगे, और 24 में जब हम उसका बर्स्ट टाइम जो कि 6 है ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 30। तो ये हमारा टोटल बर्स्ट टाइम 30 आया है। अगर हम सारे बर्स्ट टाइम को ऐड कर दें तो ये मैक्सिमम कम्प्लीशन के बराबर होता है, जैसे कि 10+8+2+6+4 ये 30 हो गया, और हमारा मैक्सिमम कम्प्लीशन भी 30 आया। तो अब इसी के साथ हम जो है इसको देखते हैं, हमारा टेबल फिल कर लेते हैं। सबका कम्प्लीशन टाइम, प्रोसेस 1 का कम्प्लीशन टाइम हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 पे ये कम्प्लीट हो गया था, प्रोसेस 2 हमारा 6 पे कम्प्लीट हुआ था, प्रोसेस 3 हमारा सबसे एंड में 30 पे कम्प्लीट हुआ है, प्रोसेस 4 हमारा 14 पे कम्प्लीट हुआ है, और प्रोसेस 5 हमारा 24 पे कम्प्लीट हुआ है। इसी के साथ अब हमें निकालना है इसका टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का हम यहाँ पे देखते हैं हमेशा फॉर्मूले से। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि कम्प्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे को जो हर प्रोसेस का कम्प्लीशन टाइम अभी हमने निकाला है उसमें से उसके अराइवल टाइम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कम्प्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। पहले प्रोसेस का 2 इसलिए आया क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 था,
अगर हम इसको ड्रैग कर देते तो ऑटोमेटिकली हमें मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 - 2 = 4 आ गया, 30 - 4 = 26 आ गया, 14 - 6 = 8 आ गया, और 24 - 8 = 16 आ गया। तो सबके कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे सारे प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम आ गए। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम कि एक प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा था उसकी बारी के इंतज़ार में। तो उसका निकालने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दो। तो टर्न अराउंड टाइम में से हमें बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा, जो कि पहले प्रोसेस का हमारे पास जीरो आया क्योंकि प्रोसेस वन को वेट करना ही नहीं पड़ा था, जैसे ही वो अराइव हुआ था वैसे ही उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया गया था। तो अब बाकी का अगर हम देखें बाकी प्रोसेसेस को कितना वेट करना पड़ा था, प्रोसेस टू को भी वेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो टू पे ही अराइव हुआ था और टू पे ही उसको सीपीयू मिल गया था। प्रोसेस फोर को भी हमने फौरन सीपीयू एलोकेट कर दिया था, उसको भी वेट करना नहीं पड़ा था। बाकी प्रोसेस थ्री को 20 वेट करना पड़ा मिलीसेकंड, और प्रोसेस फाइव को भी 6 मिलीसेकंड या सेकंड जो भी आप यूनिट मेंशन करें वेट करना पड़ा था। अब इसी के साथ हमें निकालना है इसका रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है पहली दफ़ा जो सीपीयू मिला था आपके प्रोसेस को उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीपीयू प्रोसेस वन को जीरो पे मिला था और 0 - 0 ये जीरो ही होगा। प्रोसेस टू को 2 पे मिला था तो 2 - 2 ये भी जीरो होगा। प्रोसेस थ्री को 24 पे मिला था, 24 - 4 = 20 और ये आपके वेटिंग टाइम के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिस्पांस टाइम वैसे कहाँ नहीं जाता निकालने के लिए ज़्यादातर, लेकिन अब एवरेज रिस्पांस टाइम कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आपको फिर ये रिस्पांस टाइम भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं हर सवाल के साथ इसको इसलिए कराता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि रिस्पांस टाइम भी कैसे निकलता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव वाले में मैंने आपको बताया था ज़्यादातर वेटिंग टाइम की इक्वल ही आता है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव वाले में आपके डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें वेटिंग टाइम भी अलग होता है, उसमें रिस्पांस टाइम आपका पहले सीपीयू के हिसाब से देखते हैं तो अलग आ जाता है। बाकी नॉन प्रीएम्प्टिव में ज़्यादातर यही होता है कि आपके सेम होता है जैसे कि वेटिंग टाइम होता है। अब इसी के साथ चलते हैं हमारी कैलकुलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि हम निकालेंगे सारे टर्न अराउंड टाइम को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो सारे टर्न अराउंड टाइम को प्लस कर देते हैं 2 - 4 = 26 प्लस 14 प्लस प्लस 26 प्लस 8 प्लस 16 है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि 5 प्रोसेसेस हैं, तो हमारे पास 11.2 मिलीसेकंड या सेकंड हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया है इस हर प्रोसेस का। अब हर प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो सारे वेटिंग टाइम को आपस में प्लस करके वही डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे 20 + 6 को हम करेंगे क्योंकि बाकी हमारे जीरो है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 5.2 एवरेज वेटिंग टाइम आया है आपके हर प्रोसेस का। एवरेज रिस्पांस भी आपका निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5.2 होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर रिस्पांस टाइम आपके सारे इक्वल है वेटिंग टाइम के। थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला आपके पास सामने गिवन है, टोटल बस टाइम को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। और टोटल बस टाइम आप सबको प्लस करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मैक्सिमम कंप्लीशन मैंने आपको बताया वो भी बस टाइम की इक्वल होता है तो आप उससे भी देख सकते हैं, जो कि इस सवाल का 30 था मैक्सिमम कंप्लीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हमारे पास इस सवाल का थ्रूपुट आ जाता है जो कि है 6। सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर उसका दूसरा नाम होता है एफिशिएंसी, कि आपकी सीपीयू ने कितना काम किया इस पूरे प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान, कितना उसने वक्त सिर्फ काम किया है टाइम वेस्ट नहीं किया, वो निकालना है परसेंटेज में। उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम जो कि हमारा 30 था, उसमें से ओवरहेड को माइनस कर देना है। ओवरहेड इस सवाल में हमारे पास नहीं आया, मैंने आपको हर सवाल में बताया ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड हमारा होता है बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें आपके पास कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, वो होता है आपका सीपीयू आइडल स्टेट पे होता है, उसके पास फारिग टाइम होता है, कुछ भी करने को नहीं होता, तो वो हमारा ओवरहेड कहलाता है। यानी सीपीयू वेट करता है कि कोई प्रोसेस आए तो वो अपनी एग्जीक्यूशन शुरू करे। तो हमारा इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे सीपीयू को हर वक्त जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट होता था तो दूसरा प्रोसेस तैयार होता था एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हमारे पास ऐसी आइडल स्टेट इसमें नहीं आई। सो मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज, और ये हमारी 100% एफिशिएंसी आई है कि हमारे सीपीयू ने इस पूरे प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान 100% काम किया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। इन एफिशिएंसी निकालने का यानी कितना टाइम वेस्ट किया है वो परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल ओवरहेड्स को आप गिन लो। टोटल ओवरहेड्स हमारे जीरो थे,
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और डिवाइड कर दो मैक्सिमम कम्प्लीशन से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए और आपका 0% आएगा। जाहिर सी बात है जब आपका एफिशिएंसी 100% है तो इनएफिशिएंसी आपकी 0% ही होगी। अब टाइम वेस्टेड निकालने का फॉर्मूला, टाइम वेस्टेड निकालने का सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप गैंट चार्ट में गिन लें कि आपके कितने आइडल स्टेट हैं जो कि अभी फिलहाल जीरो थे। जैसे कि गैंट चार्ट ऊपर बना हुआ है तो यहाँ पर हमारे प्रोसेस के हम जिस तरह टाइम मेंशन करते हैं कि वो प्रोसेस वन 0 से 2 तक चला है, प्रोसेस 2 से 6 तक चला है, तो इसी तरह आइडल भी मेंशन होता है आइडल स्टेट। तो इस सवाल में आइडल स्टेट नहीं है तो इसलिए हम इसको 0 ही लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ सवाल का। ये हमारा क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का, जिसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस थे। इन सब के हमने गैंट चार्ट की मदद से फिर टेबल को फिल किया, उसके बाद हमने फॉर्मूलाज की मदद से ये कैलकुलेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।